हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस सुबह सुबह ये पानी आ गया, तो सब कुछ पानी भर चुका है। तो अभी ये पानी वेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से बंद कर दूँगी, क्योंकि वो बाहर से में जो औरतें हैं यानी कि लेडीज़ है, वही भरने के लिए आ रही है। तो बस यहाँ ये पानी उसमें चालू रखा है और यहाँ पर हमने कचरा सब कुछ रखा। अब मुझे नहाना भी जाना है नहाने के लिए, तो बस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तब तक आप मेरा वेट करिएगा, क्योंकि मुझे नहाना है। तो पहले मैं नहा लूँगी, फिर मैं सारा काम करूँगी, आपके साथ चाय भी करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं पोछा मारूंगी और अभी मैं बाहर बर्तन धोकर आई हूँ, देखा थी तो देख लीजिए। अभी मैंने बर्तन साफ किए और अब मैं जस्ट पोता लगा दूंगी, क्योंकि घर में पहले सबसे पहले साफ सफाई कर देती और फिर मैं जो कुछ काम रहते हैं वो करती हूँ, और बस ऐसे मेरा पूरा रूटीन रहता है। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और अभी जस्ट मैंने टिफिन बनाया, मैंने और मम्मी ने दोनों मिलकर। तो बस ये आटा गूंथ कर रखा है और जस्ट अभी मैंने एक आलू परोठा बनाया, क्योंकि कल मैंने पोहे बनाए थे तो मैंने आलू ज़्यादा उबाले थे दो, तो बस उसके दो के आलू पराठा बना। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो उसे अच्छी तरह से मैं क्या बोलते हैं बनाई है मुझे, तो उसे अच्छी तरह से मैं पकने दूंगी, फिर मैं उसको खाऊंगी। बाकी तो बस चलता रह गया। तो मैंने अभी प्याज की सब्जी और रोटी बनाई थी, तो बस मम्मी टिफिन लेकर बाहर बैठी है, किसी के साथ भेजना होगा टिफिन। और बस मेरा रूटीन ऐसा चलता है, तो बस अभी मैं आलू पराठा बनाया वही खाऊंगी, और देखते हैं दोपहर में क्या खाती हूँ वो तो मुझे पता नहीं है। बस पराठा बनता है और मैं थोड़ा खाऊंगी, फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। मेरे हस्बैंड गए ऑफिस और मैं और मम्मी दोनों ही घर होते हैं, तो बस हमारे दोनों का काम बस ऐसे चलता रहता है। और बस ऐसे पूरे दिन का व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। ये रहा मेरा पराठा, आप देख सकते हो किस अच्छी तरह से पक के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने बनाई थी जो चने की दाल ना मूंग की दाल और प्याज की सब्जी, और ये मेरा पराठा बनके रेडी हो चुका है। तो अब मैं उसको ऑफ कर दूँगी, और इसमें मैंने कुछ मसाला पापड़ बनाया था तो उसके अंदर मैं रख दूँगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो उसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी, फिर मैं उसको खाऊँगी। तो आप घर पर बनाते या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो अभी जैसा मुझे आता है बस वैसा ही मैंने बनाया है। एक गेहूँ के आटे का मैंने बनाया है, मैंने मेहंदी का आटा नहीं लिया है, तो बस उसे ठंडा होने दूँगी फिर मैं खाऊँगी। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, तो बस ये हमारे भगवान है। और यहाँ पर मैंने फ्रिज रखा है, तो मैं लुक रहा था।